Student, myself Jyoti. Hope you are all fine. So welcome to my YouTube channel Learning with Fun. Today we are going to read क्रिया की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण. आज हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा. तो आइए देखते हैं क्रिया की परिभाषा. जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हीं क्रिया कहते हैं. क्रिया कहते हैं. तो क्रिया की परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं. जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, आना, जाना आदि. चलिए इसके कुछ उदाहरण और देखते हैं. जैसे दादाजी बाजार जा रहे हैं. इस वाक्य में जा रहे हैं क्रिया शब्द है क्योंकि यह हमें बता रहा है कि दादाजी क्या काम कर रहे हैं दादाजी बाजार जा रहे हैं. इस वाक्य में जा रहे हैं क्रिया शब्द है क्योंकि यह हमें बता रहा है कि दादाजी क्या काम कर रहे हैं. दूसरा उदाहरण देखते हैं. लड़का पढ़ता है. इस वाक्य में
पढ़ता है। क्रिया शब्द, क्रिया शब्द है। क्योंकि यह हमें बता रहा है कि लड़का क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक संक्रामक, संक्रामक नंबर एक संक्रामक क्रिया, एंड नंबर दो आक्रामक क्रिया। क्रिया तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, संक्रामक क्रिया एंड आक्रामक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नंबर संक्रामक क्रिया। संक्रामक क्रिया में क्या है? जिन क्रिया शब्दों का प्रभाव कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें संक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन टीवी देख रहा है, नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे आक्रामक क्रिया। जिन क्रिया
शब्दों का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, पर पड़ता है उन्हें आक्रामक क्रिया कहते हैं। आक्रामक क्रिया कौन सी होती हैं? जिन क्रिया शब्दों का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उन्हें आक्रामक क्रिया कहते हैं, जैसे शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। तो ये हमने पढ़े हैं क्रिया की परिभाषा, उसके उदाहरण और भेद। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।